आ छोटी जी मक्खी है, आ छोटी जी मक्खी 200 तो लेके 300 तक अंडे दे सकती है। हाँ जी, किन्ने अंडे दे सकती है? 200 तो लेके। अच्छा, वो भी गल करते हैं बुजुर्गों, एक मक्खी किन्ने अंडे दे सकती है? मक्खी बालक। अच्छा, इस अंडे तो ऐसा निकलेगा बच्चा, एदिया बच्चे की हालत ने चार, कितनी हालत है? एक दूसरा बच्चा ये थोड़ा जहा वड्डा होएगा, इस तो बाद होएगा प्यूपा, उस तो बाद फिर आप बालक मक्खी। ठीक है, हुण जड़ा ज़्यादा नुकसान कर दी है ना हालत, वो आ जे दो बच्चे दी हालत ना, पहला बच्चा ते दूसरा बच्चा, इनू अभी रात दबाने चाहते निम्फ छोटे, आ बहुत नुकसान कर दे। आ नुकसान किवें कर दे? आ ना पत्ता कपाह दा, ठीक है, इन रस चूसना थलों दी जाके, रस चूसना, रस चूस के इन्हें जिनी खुराक लेनी वो तो खा जानी, बाकी खुराक की करनी? पेशाब के जरिए बाहर काट देनी, पेशाब के जरिए बाहर काट देनी। अक्सर असी पत्ते नू मोड़ के वेखिए तो एवें आपां छोटा जिहा कतरा नज़र आएगा पानी का, होंदा कि नहीं होंदा? उस सफेद बक्खी दे बच्चे का पेशाब होंदा। वेखो अल्लाह तला की कुदरत, वेखो वो जड़ा है ना जड़ा कतरा वा, उन्होंने असं जरात की जबान चाहते हैं फूटी मोल, हनी ड्यू, हनी ड्यू यानी कि शहद का कतरा, वो जड़ा हनी ड्यू होंगे ना वह होंगे वा मिठा, क्योंकि उन्हें पत्ते दे विचो रस चूस के वो प्रोटीन होंगी कार्बोहाइड्रेट जाके वह शहद बन जाता, वह होंगे वा मिठा, जिथे मिठे तो उल्ली लग जाती, यानी कि सफेद मक्खी की वजह नाल पत्ते काले एवं नहीं होंगे, वो उल्ली लगती है, की लगती है? उल्ली। हुण ये जिहड़ी बच्चे दी दो हालत ने ना सफेद मक्खी के बच्चे की, आ दो हालत ये बड़ी खतरनाक, इन्होंने तकरीबन कह सकते हैं अपना 70-80% जिहड़ा नुकसान है वो आ दो हालत कर दी। ठीक है, हुण असी पता की करते हैं जो सफेद मक्खी नूं मारन का टाइम आवे ना, तो असी की करते हैं, या तो सफेद मक्खी की बाले की सिर्फ स्प्रे करते हैं, या बच्चे की स्प्रे करते हैं, करते हैं बच्चे की स्प्रे, यानी कि तुम ऐसे कैमिकल का इंतखाब करना जो बच्चे भी मारे सफेद मक्खी भी मारे। ठीक है, थोड़ा जा। अच्छा, आ सफेद मक्खी भी मर गए, बच्चे भी मर गए, एक यदि हालत है प्यूपा, की हालत है प्यूपा, जमें एक टाफी नहीं होती टाफी, यानी कि इस टाफी के उत्ते की होंगे वा कवर, अल्लाह ताला ने इनू भी एक स्टेज ऐसी दिती है बई आ एक स्टेज ते अपने उत्ते की कर लेंदी है कवर, अपने आप नू छुपा लेंदी है, इस स्टेज ते ना इसे कोई स्प्रे असर करती है, ना कोई नेरी असर करती है, तो बारिश भी असर नहीं करती क्योंकि होंदा थलवी साइड, यानी कि आ जिहड़ी स्टेज है ना आ बड़ी खतरनाक है, इन्हें नुकसान करना इनू कुछ भी नहीं होना। हुण जो आप स्प्रे कर लेनी ना, सफेद मक्खी उड़द भी मर गए, बच्चे भी मर गए, अंडे भी मर गए, पिछे की बचा पिया वा प्यूपा, हुण इहदे चो निकलनी मक्खी, मक्खी ने की देने अंडे, हुण असीं पता की करना, इहदे चो जिवें सफेद मक्खी निकली है ना उहदी स्प्रे कर देनी है उहनूं अंडे देने कोलों पहलां, यानी कि 5-6 दिन बाद इहदी रिपीट करनी है स्प्रे, यानी कि उहदे अंडे देण कोलों पहलां पहलां उहनूं खतम कर देना, तो फिर तो है सफेद मक्खी का कंट्रोल, क्योंकि सफेद मक्खी का जो साइकिल है तो ब्रेक नहीं होता ना, तो फिर तुरते रहना, भावें स्प्रे 6वें दिन में चला गया जी स्प्रे नहीं होनी, यानी कि 5वें दिन बाद तो स्प्रे रिपीट करोगे तो सफेद मक्खी कंट्रोल है, नहीं तो यह साइकिल एवं चलता रहना। ठीक है, अच्छा आ जो सफेद मक्खी है ना, आ सफेद मक्खी एक तो पौधे का रस चूसती है, दूजा की करती है फंगा फिर से लगती है सफेद मक्खी से, तीसरा जिहड़ा मेन काम करती है आप पता की करती है, एक पत्ते बैठी है ना, ये थो इन्हें ना रस चूसिया वा,
इन्हें मक्खी ने बाले कने ये फिर गई है दूसरे पत्ते थे गई है दूसरे पत्ते थे ए एक जगह तो दूसरी जगह से वायरस लैग जाती यानी कि बीमारी तू एक जगह नु लै के ना एक जगह तो लै के दूसरी जगह तू बीमारी नु लै के जांदी है यानी कि एक ते आप नुकसान कर रही है पत्ते ते ते एक बीमारी नु फैला भी रही है यानी कि ट्रांसमिशन कर रही है लीफ कर्ल वायरस नु ठीक है यानी कि आ जड़ा सफेद मक्खी है बड़ी भयानक नाग है ठीक है सफेद मक्खी दा कंट्रोल जड़ा है जिवें दस्या उवें करो यानी कि जे तुसीं स्प्रे बालग दी कर रहे हो ते नाल बच्चियां दी भी नाल मिक्स करो ते जे ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਮੁਕਸਮ ਕਰ ਹੁਣ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਰੁਟੀਨ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੱਖੀ ਮਰੇ ਨਾ ਮਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੋਈ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋਈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲੀ ਆ ਨਾ ਡੱਖਣ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਲੋਹੇ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਡੱਕਣ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਇਆ ਵਾ ਦੇਖੋ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਨਾ ਲੋਹ ਆਈ ਆ ਨਾ ਡੱਕਣ ਬੋਲਿਆ ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ